हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लड ग्रुप में जितेंद्र, और आज हम सुनने वाले हैं मीटियोर का साउंड, क्लासिक नेक्सजन का साउंड एंड दोस्तों हंटर का साउंड। इन तीनों का साउंड जो है इस वीडियो में आपको टेंटेटिव आइडिया हो जाएगा, बिकॉज रनिंग साउंड से एक आइडिया तो हो जाता है कि भाई डुग डुग मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये डाउट एंड क्वेरी है। और डिटेल्स में भी आया था, ऐसा आया था कि सिग्नेचर थंब मिलेगा। अब सिग्नेचर थंब को लोग सोच रहे हैं कि डुग 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 इसमें मिलेगा, बट कैसा साउंड है वो आप सुन लीजिए, फिर हम बात करते हैं। आई होप दोस्तों आपको टेंटेटिव आइडिया हो गया होगा कि क्लासिक नेक्स्ट जेन मीटियोर और दोस्तों हंटर का साउंड कैसा होने वाला है। बीच में आपको डुक डुक भी साउंड सुनने को मिला होगा, बट वो डुक डुक जो है वो एक क्लासिक भी थी रोड पे, तो उसका साउंड आ रहा था। तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, इनका जो साउंड है ना वो थोड़ा स्पोर्टी रोड साउंड होने वाला है, बिकॉज इंजन फॉर्मेट जो है टोटली चेंज कर दिया। अब आपको यू सी इंजन फॉर्मेट नहीं मिलेगा, सी आई इंजन नहीं मिलने वाला, ए वी एल इंजन नहीं मिलने वाला, आपको एस ओ एच सी इंजन फॉर्मेट मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जो इंजन्स होते हैं ना, ये आपको अच्छे पावर देते हैं, अच्छे टॉर्क देते हैं, अच्छे स्पीड देते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, बट आपको जो डुक डुक साउंड है ना वो थोड़ा सा नहीं मिल पाएगा। अदरवाइज बाइक जो है अभी क्रूजर रेडी रहेगी, आपका हाईवे या फिर सिटी राइड बोलिए उसके लिए परफेक्ट होने वाली है। मार्केट में बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन खड़ा होने वाला है जावा के लिए, दोस्तों जो बैनले की जो इंपीरियर 400 थी उनके लिए, और दोस्तों जो इंडिया में मार्केट में और भी बाइक्स आने वाली है ना उन सभी के लिए। तो दोस्तों यहाँ वीडियो कमेंट करते हैं, ख्याल रखें, ध्यान रखें, और देखते रहे ब्लॉग, ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। बाय।